आप सभी का स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम विकास त्यागी जी से उनके मशरूम के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे कि मशरूम कहां से और कैसे स्टार्ट की जाती है और क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं और फिर वो मशरूम प्रोसेस होकर तैयार होकर कितने दिन में हमारे खाने योग्य हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये उनके पैकिंग रखे हुए हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में जी। तो आपने पहली हमारी वीडियो में अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया जी जी। अब आप अपने ये मशरूम का जो प्लांट का फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका जो प्रोसीजर शुरू होता है उसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दें। ऐसा आप इसमें जो है पहले हम जो है इसकी कंपोस्ट तैयार करते हैं जी। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे कंपोस्ट तैयार करने में 14 से 15 दिन का टाइम लगता है जी। तो ये है, पहले हम इसमें प्री मिक्सिंग करते हैं। अच्छा, पहले इससे जो जो मटेरियल है कंपोस्ट बनाने के लिए जी। तो प्री मिक्सिंग में हम क्या क्या डालते हैं? प्री मिक्सिंग में हम हमारे मुख्य रूप के तो भूसा होता है गेहूं का। अच्छा, भूसा है। बाकी जिप्सम है, थोड़ा यूरिया है जी, और आपका क्या नाम है भूसी है जी, मुर्गी की बीट होती है जी। ये सब चीज़ें मिला के हम एक पहले प्री मिक्सिंग अपना करते हैं जी। फिर एक दिन इसे यहाँ छोड़ेंगे मिक्सिंग करके। ये जेसीबी है, जेसीबी के माध्यम से हम अपना मिक्सिंग इसे जो है पूरा सबको मिला के मिला देते हैं। और क्योंकि ये हाथ से तो पॉसिबल नहीं है, हाथ से संभव नहीं है, बड़ा ये प्लांट है। हाँ, क्योंकि एक बार में लगभग 20 टन के आसपास 20 टन हम कंपोस्ट बनाते हैं जी। तो हाथ से तो नहीं हो पाएगा जी, इसलिए हम जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं जी। तो जैसे कि ये मिक्सिंग हो गई जी, उसके बाद आगे का प्रोसीजर उस तो ये पहले जो है जी। पहले हम वहाँ दो बार इसमें मिक्सिंग करेंगे जिससे अच्छी तरह सब मटेरियल जो हमने डाला है वो मिक्स हो जाए जी। फिर उसे एक दिन हम वहाँ रखेंगे जी, है खुले में। फिर हम इसे बंकर कहते हैं जी। फिर हम इस बंकर में लाते हैं, इसमें नीचे जो है पीछे ब्लोअर लगे हुए हैं, नीचे से ये हवा आती है। अच्छा, नीचे से ऐसे हवा आती है? हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, जैसे कि ये नीचे इसके फर्श में पाइप लगे हुए हैं। ये फर्श में जो है ये नाली है। अच्छा, और इसी में इसे जो है हवा आती है जी। और हम इसमें जो है पीछे ब्लोअर से जी हवा छोड़ते हैं। और इसके बाद यहाँ हम हर तीसरे दिन जी इसे इस बंकर से उस बंकर में, दो बंकर हैं हम पे। अच्छा, एक इधर है और एक उधर से। जैसे आज मान लो इसमें आएगी तो फिर परसों को इस यहाँ से वहाँ हम अपना इसे शिफ्ट कर देंगे जी। इस प्रक्रिया को हम 3 बार करते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको पहले बताया बंकरों का। अच्छा, वो दोनों बंकर से ऐसे अलट पलट करके हम फिर जब वहाँ हमारा वो सेकंड फेज कंपोस्ट का पूरा हो जाता है जी, तो हम फाइनल स्टेज में यहाँ उसे, ये हमने एक एयर टाइट कमरा है देख रहे हैं, इस पे जो है गेट के ऊपर टेप भी चिपकी हुई है, एयर टाइट कमरा है, इसे हम टनल कहते हैं जी जी। इस टनल के माध्यम से जी हम इस कंपोस्ट को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं, साफ। अच्छा, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई टांगस वगैरह कोई टांगस नहीं होगी, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। स्मेल जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये क्या है कि ये ब्लोअर है और ये इसकी आपने देखा होगा जी, ये ब्लोअर है और ये इसकी डक्ट है। अच्छा, ये जो ब्लोअर की डक्ट जा रही है इस कमरे के अंदर ये है। तो ये क्या काम करता है, ये बाहर से कुछ हवा नहीं लेता है। अच्छा, बाहर से ये नहीं केवल लेता। इसी की एयर को सर्कुलेट करके इसका टेम्परेचर किलिंग, बैक्टीरिया किलिंग के हिसाब से 57-60 तक ये पहुंचा देता है। अच्छा, वो जो इसमें बैक्टीरिया है वो अंदर की हवा को ही बार बार वो टेम्परेचर 60 करके 60 डिग्री में वो खत्म कर देता है, 60 डिग्री टेम्परेचर पे वो किल हो जाता है। बाद फिर क्या होता है आगे? अब उसके बाद में जब हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है जी, तो हम स्पोनिंग करते हैं जी, बैग बनाते हैं जी, और फिर हम यहाँ आते हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ठीक।
उस कंपोस्ट को जी, उस कंपोस्ट को हम जो है ऐसे बैगों में भरते हैं, 10-10 किलो के बैग हैं ये। अच्छा, ये 10 किलो का बैग है। हाँ जी। और इसमें हम जो है इसमें स्पॉन मिलाते हैं वहीं। अच्छा। और इन्हें बैगों को ऐसे रख देते हैं जी। ये प्रक्रिया हमारी बिल्कुल बंद कर देते हैं हम इसे जी। और इसमें स्पॉन रन के लिए हम इसे कहते हैं स्पॉन रन। अच्छा, स्पॉन रन की प्रक्रिया है। स्पॉन रन की प्रक्रिया है जी। और स्पॉन रन की प्रक्रिया में हम 10 से 12 दिन अच्छा मैं ये स्पॉन रन में आज 10 से 12 दिन तक 12 दिन तक ये इस पोजीशन में रहेगा जी। और मैं दिखाता हूँ इन्हें, आप इधर देखिए, ये इस समय इसमें स्पॉन रन चल रहा है। ये जो बीज है स्पॉन है ये रन होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये अपना काम ये अपना काम करना शुरू हो गया है जी। और फिर इससे अगली वाली जो स्टेज है उसमें दिखाऊंगा तो वो आपको लगेगा कि ये जो है ये हमारा स्पॉन रन के बाद में जी हमारी ये नेक्स्ट स्टेज आ जाती अच्छा है। अच्छा, ये जो है हमारी दूसरी स्टेज है। तो आपने देखेंगे होगा कि ये बिल्कुल वाइट बैग है जी जी। तो इसमें स्पॉन रन है, इसके बाद हम ये जो है ये केसिंग होती है। अच्छा, ऊपर इसके केसिंग हाँ, की गई है। इसमें एक दो इंची के आसपास हम ये केसिंग करते हैं जी। केसिंग जो है वो नारियल का बुरादा है, जिप्सम है, कोकोपीट कोकोपीट है उससे है ना, उससे हम अपना केसिंग तैयार करके जी इसमें केसिंग करते हैं। जब हम ये स्टेज 20 दिन तक जी रहेगी तो ये जो 20 दिन यहाँ हम रखते हैं अच्छा हाँ, तो इसकी सिंचाई करते रहते हैं हम हर तीसरे दिन जितनी आवश्यकता होती है जी। दूसरे दिन तीसरे दिन पानी से हम तो आप लगाते रहते जैसे कि ये देख रहे हैं जैसे हल्के फुहारे के साथ पानी डाल हाँ जी, हल्के फुहारे के साथ हम पानी देते रहते हैं इतना जिससे कि केसिंग में नमी बनी रहे। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोसीजर जो है 20 दिन तक ये 20 दिन तक चलता है। 20 दिन के बाद इससे मशरूम हो जाएगी। हाँ, इससे मशरूम उगनी शुरू हो जाएगी। मैं अगली स्टेज वाला जो कमरा है मशरूम वाला वो मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक, मैंने आपको पिछला कमरा दिखाया था जी, वो केस रन की स्थिति में था। अच्छा अच्छा, प्रक्रिया में जी। उसके बाद 20 दिन बाद ये हमें मशरूम निकलनी शुरू होगी। अच्छा हाँ, ये मैं जैसा कि देख रहा हूँ छोटे छोटे निकलना शुरू हो रहा है, छोटी मशरूम होगी, फिर वो धीरे 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 ये छोटी होगी। जैसे आज ये छोटी है तो कल ये तोड़ने लायक हो जाएगी। जैसे ये है, ये मशरूम है, तोड़ने लायक हो जाएगी। फिर ये इस साइज में जब आ जाएगी, अच्छा ये फाइनल जब ये साइज में आ जाएगी तो हम इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसे ऐसे मोड़ेंगे तो ये अपनी जड़ छोड़ देगी जी। ये इसकी प्रक्रिया। और ये हम जो है इसे लगभग हम इसमें पहले फ्लस पे मशरूम आएगी जी, फिर इस पर दूसरे फ्लस पे मशरूम आएगी जी। एक दो दिन गैप आ जाता है बीच में जी। तो लगभग हम 20 दिन इसे ये कमरा 20 दिन मशरूम देगा और वो 20 दिन मशरूम हमें ये एक बैग जो है हमें 2 किलो से 2.5 किलो अच्छा एक बैग हाँ, 2 किलो से 2.5 किलो दो से 2.5 किलो मशरूम हमें दे जाएगा जी। जब ये 2-2.5 किलो वाले मशरूम पर हो जाएगा तो हम इसे फिर खाली कर देंगे, इसकी जगह वही दोबारा से ये बैगों का अच्छा, प्रोसीजर कंपोस्ट बनाएंगे फिर अपना। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये जैसे आपने तोड़ ली और तोड़ने के बाद फिर हम इसे फिर इसे हम करके है ना डब्बों में। अच्छा, ये जो आपके डब्बे हैं इन डब्बों में पैक करते हैं, फिर इन डब्बों में हम जो है ये 200 ग्राम मशरूम है ये एक डब्बे जी जी। तो फिर ये हम इसे विस्तृत करेंगे, पैकिंग करेंगे और पैकिंग करके और जो है तरीके से ये क्लीन फॉइल वगैरह लगाया हुआ है और इसके बाद हम जो है ये 10 किलो के अच्छा हर डब्बे में है 10 किलो के डब्बे में पैक करके हम इसे मंडी जहाँ भी भेजनी होगी, मुरादाबाद, मेरठ या आजादपुर हमें भेजनी होगी वहाँ हम भेज देंगे। तो त्यागी जी, आपने मशरूम के तैयार करने का पूरा प्रोसीजर हमारे किसान भाइयों को बताया जी जी जी। तो आप किसान भाइयों से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि वे भी इस खेती में, सीजनल खेती में, छोटे स्तर पे अपने जैसे खाली मकान है उसमें कोई छोटा कमरा है बड़ा कमरा है जी, जितनी अपनी कैपेसिटी हो, जितनी अपनी लागत लगाने की क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार मशरूम की खेती में धीरे धीरे आए, इसका आगे और अच्छा भविष्य होगा जी। और डिमांड होगी तो किसान को अच्छा पैसा मिलेगा, उसकी आय दुगनी होगी और अपने मोदी जी ने जो संकल्प कर रखा है कि किसानों की आय दुगनी करनी है उसमें एक मील का पत्थर ये मशरूम साबित होगी। तो त्यागी जी, किसान भाइयों को मशरूम के बारे में ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सब कुछ जाना, सब कुछ सीखा। अगर ये मेरी छोटी सी कोशिश और ये मेहनत आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली कोई भी जानकारी आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।